जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों आज की तारीख है 23 सितंबर, दिन शुक्रवार। तो लक्ष्मी मैया का नाम लेकर आज ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वो सभी हमारे देखने वालों को सुख दें, समृद्धि दें। दोस्तों आज देखिए आप, आज हम शाम को ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि ना सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी और मौसम ना बहुत ठंडा हो रहा है आज। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है। तो ये शाम का व्यू है, सारे फूल खिल के मुरझा गए हैं और ये नई गिलकियाँ भी आने लगी। देखिए कि नई आई थी आज सुबह ही, और बस बढ़िया नज़ारा है। इधर देखिए आप, इधर देखिए डैम में फूल आने लगे हैं। ये वाइट फूल आ रहे हैं और ये पिंक फूल आ रहे हैं। इधर ये पौधा भी बढ़िया है, मस्त। और यहाँ जो कल हमने ब्लॉग में आपको दिखाया था कि हम पालक के सीड्स लगा दिए, और पालक जो ख़राब हो गई थी उसे हटा दिया, जो अच्छी थी उसकी थिनिंग कर दिए। तो अभी थोड़ी अच्छी करनी थी, थोड़ी थोड़ी खड़ी हो गई। देखिए ये थोड़े पत्ते ऊपर खड़े होने लगे, कुछ लेटे हुए हैं। ये कुकम्बर भी आगे बढ़ रहा है। इधर भिंडी को दिखाएं तो भिंडी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, फिर से भिंडियाँ आने लगी हैं। तो दो चार दिन में फिर से हम हार्वेस्टिंग करने को तैयार हो जाएंगी भिंडियाँ। करेले को दिखाएं तो आज करेला थोड़ा सा सुस्त सा नज़र आ रहा है क्योंकि तो इसको ठंड पसंद नहीं है, वो आज ठंड है ना। तो लेकिन फूल तो एक खिला हुआ है, देखिए ये वाला। ये देखिए आप, ये आपको मेल फीमेल का हमने बताया था ना, तो देखिए ये फीमेल है। देखिए इसके पीछे करेला है, एक छुट्टू सा करेला था, वो तो अभी छुट्टू से ही है। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए रात रानी, इसकी कंडीशन में अच्छे फूल तो नहीं आ रहे हैं, बाकी ग्रोथिंग तो इसकी अच्छे से चल रही है। तो देखिए तुलसी मैया कितनी अच्छे से लहरा रही थी, लहरा रही। दोस्तों देखिए नर्सरी रेडी करने के लिए हमने इस तरह से ग्लास रेडी कर लिए हैं, और ये जो ग्लास हैं इनमें हमने कोको कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट दोनों को मिक्स करके इनको हमने भर लिया है। और ये देखिए इसमें हम डेट डाल दे रहे हैं, ये देखिए 22/9/2022। और ये इसमें हम लगा रहे हैं ग्वार। तो इस तरह से हम सारी बीन्स इसमें हम आज प्लांट बनाने के लिए उसको रेडी कर लेंगे। ये हमने ग्वार लिख दिया है। इस तरह से हम सारे ग्लास में कौन कौन सा सीड लगा रहे हैं वो हम लिख के और रेडी करते हैं। इसमें हम तीन ग्लास में हम ग्वार लगाएंगे, दो दो बीज, क्योंकि 6 प्लांट हमको चाहिए उसके लिए। ये हम अपने घर की जो नीड है हमारी उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, तो हम इसमें दो दो करके लगाएंगे। तो एक इसमें हम लगा देते हैं और एक लगा देते हैं, क्योंकि हमने इसको ग्वार का जर्मिनेशन हम देख चुके हैं पहले, तो जर्मिनेशन इसका लगभग सभी बीज उग जाते हैं। तो हमने इसे करके इसमें दो दो करके बीज लगा देते हैं। इसके बाद ये देखिए आप, ये जो है ये हमारा बरबटी का है, तो हमने इसमें सीड डाल दिए पहले से, तो इसको हम कर देते हैं। ये देखिए दोनों में हमने इसको कर दिया है, इसको भी थोड़ा ढक देते हैं हम दबा के थोड़ा सा बस। और इन सभी में हमने आप देख सकते हैं डेट और मार्किंग कर दी है। ये हमने इसको सबको ढक दिया है। अब ये देखिए आप, ये फ्रेंच बीन्स का है, तो फ्रेंच बीन्स भी हम एक एक सीड दोनों में लगाएंगे। दो में हमने किया है क्योंकि डायरेक्ट हम सीडिंग करेंगे, सीधा ऐसा का ऐसा हम उसमें रख देंगे। तो ये हमने फ्रेंच बीन्स कर दिया है। उसके बाद ये देखिए फ्लैट बीन्स हैं, तो फ्लैट बीन्स को भी हम दो में लगा, दो पौधे लगाएंगे। तो एक हमने इसको उधर कर दिया है और इसमें फ्लैट बीन्स कर दिया। ये जुकुनी का भी सीड हमने ये ले लिया है, इसको भी हम इसमें लगा देते हैं। इसके बाद ये कैप्सिकम, तो कैप्सिकम के हम दो सीड डालेंगे। प्लांट हमको एक ही लेना है लेकिन हम दो सीड डालेंगे, जर्मिनेशन का नहीं पता हमको,
देखिए हमने ये दो सीट इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद ये हम देखिए बोटल गार्ड भी लगा रहे हैं, जबकि इस समय बोटल गार्ड का सीजन नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है। हम इसको भी लगा दिया हमने, और ये स्नेक गार्ड्स भी हम लगाते हैं। जितनी भी गार्ड्स हैं वो सारी गार्ड्स जो रहती हैं ऊपर बिट्स ग्रुप की हैं, तो ये सारी वैसे एक्चुअली गर्मी के और बरसात के मौसम में ज़्यादा इनका वो रहता है, लेकिन फिर भी हम इसको लगा के देखते हैं। तो ये स्नेक गार्ड्स लगा दी हमने, और ये है रिज गार्ड। तो रिज गार्ड को भी हम सबका एक एक सीड लगा रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल बेस पे कर रहे हैं इसको, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो ये हमने सारे सीड लगा दिए हैं। तो इस तरह से हमने आज ये सोइंग कर दी है। जैसे इनका अपडेट रहेगा हम आपको देते रहेंगे। हम सब में इस सब में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। देखिए आप करीब से दिखाएं तो कुछ इस तरीके से हमने मार्किंग करी है। मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमें पता चले हमने किस तारीख को सीड सोइंग किए हैं और किस इसमें क्या है पता हमें चल जाता है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।